छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के बाद आज राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहां की नक्सल प्रभावित 13 सीटों पर शाम 4 बजे जबकि बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बार तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस और कांग्रेस टीडीपी गठबंधन में कड़े मुकाबले की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मेरे साथ मेरा रब है, मेरे हैदराबाद की आवाम है और मुझे पूरा यकीन है कि हर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। ज़िंदगी में अगर जब तक जिंदा रहूँगा तो हर इंसान को कुछ ना कुछ चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता, तो जमहूरियत है तो जमहूरियत में तो होगा। बात अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार राज्य में कुल 2,80,00,000 मतदाता विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए कुल 32,815 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिस इज योर डे, वोटर्स डे, सिटीजंस डे, कम एंड वोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव मूल रूप से अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही होना था, लेकिन राज्य कैबिनेट की सिफारिश के मुताबिक 6 सितंबर को विधानसभा भंग कर दी गई थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने समय से पहले चुनाव कराने का विकल्प चुनकर एक बड़ा दांव चला था। अब देखना है कि उनका ये दांव कितना दमदार साबित होता है। टीम न्यूज़ नेशन।